एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 आप सभी का अगला टारगेट होगा कि किसी तरह से हम एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 में जॉब पा ले जाएं। सभी लोगों की के मन में ये बात होगी कि किसी न किसी तरह से हमें इस बार जॉब पानी है, ग्रेड सी ग्रेड डी। कुछ लोगों का है कि मुझे ग्रेड सी की जॉब पानी है, कुछ लोगों का होगा कि मुझे कोई भी जॉब मिल जाए, है ना। तो अगर आपको मैथ्स नहीं आती है और आप अच्छी खासी सैलरी उठाना चाहते हो, पाना चाहते हो, तो आपके लिए ये एसएससी स्टेनोग्राफर की जॉब बनी हुई है। इसमें मैथ्स भी नहीं आता है, आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी कि आप एसएससी स्टेनोग्राफर का आने वाले टाइम में फॉर्म फिल करें जो कि जुलाई में आ जाएगा, और फिर तैयारी करना स्टार्ट करें। वो तैयारी कैसे करनी है इसी बारे में इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल में चर्चा करूंगा कि अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट करते हो तो आप किस तरह से पढ़ाई करो कि आपका सिलेक्शन हो जाए। सेकंड थिंग मैं आज इस वीडियो में ये बताना चाहूंगा कि अगर आपने आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। बिकॉज कुछ लोग तो जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं स्टार्ट की है उनके बारे में तो मैं बताऊंगा ही। कुछ लोगों का ऐसा है कि वो खूब पढ़ाई कर रहे हैं बट मॉक टेस्ट में उनके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, बट वो प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, बट प्रैक्टिस से क्वेश्चंस उनके कुछ लग पा रहे हैं, कुछ नहीं लग पा रहे हैं, है ना। कुछ क्वेश्चंस उनसे लग जाते हैं, कुछ नहीं लग पाते हैं। आज मैं वो तरीका बताऊंगा कि आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और जो बिगनर्स हैं उनकी भी प्रॉब्लम आज सॉल्व होने वाली है, दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से अगर आप बिगनर्स हैं तो कैसे तैयारी करें। देन मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो आपको क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए। बिकॉज अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो अब आपकी तैयारी जो है वो अच्छी खासी हो सकती है, अब आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ सकते हो। अगर अभी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी चूक है जो मैं बता दूंगा वो आप सही कर सकते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। जो हमने भी अपनी पढ़ाई के दौरान की थी, मैं नहीं चाहता हूं कि आप भी उस गलतियों को उन गलतियों को दोहराएं जिससे आपका रिजल्ट खराब हो। मैं ये चाहता हूं कि किसी भी तरह से आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। मैं सबसे पहले मैं बात करूंगा एसएससी स्टेनोग्राफर के सिलेबस की। एसएससी स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम है उसमें मैथ्स नहीं आता है, यानी कि आपके इंग्लिश आएगा, रीजनिंग आएगा और जीएस, यानी कि तीन सब्जेक्ट पर टिका हुआ ये पूरा का पूरा एग्जाम है जिसमें तीनों सब्जेक्ट की सबसे बड़ी बड़ी भूमिका है, तीनों की अपनी अपनी जगह पे महत्वपूर्ण भूमिका है, चाहे वो इंग्लिश हो या रीजनिंग हो या जीएस हो, ठीक है। लोग रीजनिंग पर मेहनत नहीं करते हैं, सोचते हैं कि रीजनिंग मुझे बाय बर्थ मिली हुई है, एग्जाम के दो महीने पहले वो रीजनिंग स्टार्ट करते हैं तैयार करना और फिर 35, 36, 37, 38 नंबर तक जाकर के रुक जाते हैं। ये भी गलती आपको नहीं करनी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा इंग्लिश की कि इंग्लिश किस प्रकार से आपको तैयार करनी है, देन मैं बात करूंगा रीजनिंग की, उसके बाद मैं आऊंगा जीएस स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर्स कब से पढ़ना चाहिए, इन सारी चीजों पर मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बात करूं कि रीजनिंग इंग्लिश की, तो अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको सबसे पहले सिलेबस को आराम से कंप्लीट करना चाहिए। पहले आप एक नोटबुक बनाइए, इस तरह से एक नोट्स बना लीजिए और फिर वो सिलेबस आप नोट कर लीजिए कि कौन कौन से चैप्टर हमें तैयार करने हैं इंग्लिश में। उसके बाद आप उसे पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ग्रामर, वोकैब्स और रीडिंग कंप्रेहेंशन ये तीन पार्ट में बटा हुआ है, जिसमें से ग्रामर और वोकैब्स तो अक्सर लोग तैयार कर ले जाते हैं लेकिन रीडिंग कंप्रेहेंशन में दिक्कत आ जाती है। रीडिंग कंप्रेहेंशन कैसे तैयार करेंगे उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा, प्लस आपको ग्रामर और वोकैब्स कैसे तैयार करना है ये आप सबसे पहले सुनो। ग्रामर के लिए आपको तरुण ग्रोवर सर की वीडियो पड़ी होगी यूट्यूब पर, मैं बार बार बताता हूँ कि उनकी वीडियो आप देख डालो, उनसे नोट्स बना लो, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब प्रीपोजिशन क्वेश्चन टैग एक्टिव पैसिव टैग इनडायरेक्ट, इन सभी का नोट्स बना लो, ठीक है। और नहीं तो हमारे भी चैनल पर वीडियोज पड़ी हुई है जिससे हम अपने नोट्स से हमने पढ़ाया है, खुद के नोट्स से पढ़ाया है, जिस नोट्स से हमने एग्जाम क्लियर किया था, अगर आप वो पढ़ना चाहते हो तो वहां से फिर जाकर के नोट्स बना सकते हो। उस टाइम मेरे पास उतने संसाधन नहीं थे कि मैं मेरे पास कैमरा उतना अच्छा नहीं था, मोबाइल उतना अच्छा नहीं था, वो तो जॉब के बाद मैंने खरीदा ठीक ठाक मोबाइल, तो क्या था कि उतना अच्छा मतलब कंटेंट तो है बट क्वालिटी वीडियो की उतनी अच्छी नहीं थी। अगर आप पढ़ पाओ तो उसे पढ़ लो, वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए, ठीक है। ग्रामर की बात खत्म करते हैं, अब ग्रामर यहाँ से आपका तैयार हो जाएगा, इतनी चीजें करके नोट्स बना लेना, ग्रामर तैयार हो जाएगा, ये मैं वादा करता हूँ आपसे, ठीक। प्रैक्टिस पर मैं बात में आता हूँ, एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी, कोई बात नहीं, वीडियो में लगातार बने रहे अगर वीडियो देखना चाहते हैं आप तो आपकी मर्जी। वोकैब्स, वोकैब्स के लिए आपको क्या करना है कि वोकैब्स के लिए आपके पास मैंने एक ही बुक बताई है, बहुत ज्यादा इधर उधर की बुक तमाम मार्केट में उसमें मत फंसे, ब्लैक बुक ले लो, ब्लैक बुक ऑफ वोकैब्स प्रीवियस ईयर एसएससी की बुक है। एसएससी के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे दिए गए हैं, मुझे नहीं लगता है कि किसी और बुक की तरफ आपको भटकना चाहिए। वो कहाँ से पढ़ना है ये भी हमने बताया है अपनी पुरानी वीडियो में भी और मैं आज भी बता देता हूँ आपको, एक यूट्यूब चैनल है देसी पढ़ाकू यूट्यूब चैनल, उन्होंने ब्लैक बुक कंप्लीट कराई है, उन्होंने ब्लैक बुक के साइनोनिम्स कंप्लीट कराए हैं और एंटोनिम्स कंप्लीट कराए हैं और इडियम्स कंप्लीट कराए हैं, ठीक है। तो आप साइनोनिम्स एंटोनिम्स इडियम्स ट्रिकी वे में कंप्लीट कराए, मतलब कोई वर्ड है उसका ट्रिक बनाया है उन्होंने, काफी मेहनत की है और फिर उसे समझाया है, उसे याद कराने की कोशिश की है। तो अगर आप खुद से ट्रिक नहीं बनाना जानते हैं
तो आप वहां से पढ़ सकते हैं डेली 20-20 वो कैप्स, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, एग्जाम नजदीक है तो 20-20 वो कैप्स डेली तैयार करें, ट्रिकी वे में वो कैप्स होंगे, और उस ट्रिक को अपने मन में ना रख करके अपने कॉपी में नोट जरूर कर लें, ताकि करें तो उस वर्ड को किसी दूसरे ट्रिक से आप ना याद करें, जिस ट्रिक से आपने ट्रिक से दोबारा भी याद करें। होता क्या है कि कोई वर्ड हमने आज याद कर लिया, कल जब हम याद करते हैं तो उसका दूसरा ट्रिक बना लेते हैं, परसों याद करते हैं तो उसका दूसरा ट्रिक बना लेते हैं, फिर क्या होता है कि सब कुछ मिक्स हो जाता है, घमंजा हो जाता है। ठीक है, वो मिक्स आपको नहीं करना है। वोकैब्स की दिक्कत यहां से कंप्लीट हो जाएगी, आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी वोकैब्स की प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगी, 80% वोकैब्स आप एग्जाम में करके आओगे अगर इतना कंप्लीट कर लिया तो। ठीक है, तो ग्रामर की वहां से कंप्लीट हो गई, वोकैब्स की यहां से कंप्लीट हो गई, देन मैं आता हूं रीडिंग स्किल पर, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ग्रामर की प्रैक्टिस कैसे करनी है। फिर आते हैं रीडिंग स्किल पर। रीडिंग स्किल के लिए मैं बता दूं आप लोगों को कि रीडिंग स्किल के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। अगर आपके पास न्यूज़पेपर नहीं है, आपके इलाके में, आपके गांव में न्यूज़पेपर नहीं आता है, तो आप एनसीईआरटी की क्लास 7th की हनीकॉम की बुक से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसकी वीडियो कैसे पढ़नी है उसकी वीडियो मैंने बना दी है। ठीक है, और एक आइडिया बता दिया है कि आपको कैसे पढ़ना है। और अगर आपको किसी चैप्टर को पढ़ना है, पहला चैप्टर जैसे था, पहला चैप्टर हमने पढ़ा दिया था, दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना है, उस चैप्टर का नाम आप यूट्यूब पर डालिए और इन हिंदी लिख दीजिए। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने दूसरे वाले चैप्टर को, तीसरे चैप्टर को, सारे चैप्टर्स की हिंदी बता करके पढ़ाई है, वहां से आप एक बार हिंदी उसकी जान लो। देन आपको रीडिंग करनी है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, रीडिंग करनी है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो देखना है ग्रामर के लिए, प्लस अगर आपको रीड करना है तो ज्यादा से ज्यादा आपको रीडिंग करनी है। रीडिंग से आपकी काफी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे जैसे हमने ये एक आपको बताया था, एक चैप्टर हमने पढ़ाया है आपको, थ्री क्वेश्चंस। ठीक है, तो थ्री क्वेश्चंस में आपको ऐसे, एक बार पहले आपको हिंदी मालूम चल गई उस पूरे चैप्टर की, एक बार हिंदी लगा करके पढ़ लीजिए। हिंदी लगा करके कैसे पढ़ना है आपको, आप यूट्यूब पर देख लो, तो इस चैप्टर को किसी ना किसी ने पढ़ाया ही होगा, उस चैप्टर से हिंदी देख लो उसकी, देन आप पढ़ना स्टार्ट करो। थॉट केम टू ए सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू थ्री दीज थिंग्स वर। आगे पढ़ो कि व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, व्हिच पीपल शुड ही लिसन टू, What is the most important thing for him to do? किस तरह से आपको पढ़ना है और साथ ही साथ उसकी हिंदी समझनी है। ठीक है ना, सब मिला करके अगर आप इतना करते हो तो आपकी रीडिंग स्किल भी अच्छी हो जाएगी। प्लस इसके कुछ पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लो कि इतने पैराग्राफ के मुझे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट देखने हैं। ठीक है, और उसमें ग्रामर देखना है तो उसमें से आप ग्रामर देख लो। ग्रामर देखोगे, हिंदी पढ़ोगे, प्लस रीडिंग ज्यादा से ज्यादा करोगे। ये वाली रीडिंग जो अभी हमने करके बताई है आपको 45 मिनट तक करनी है। इस 45 मिनट लगातार अगर आप नहीं कर सकते हो तो इसको 20-20 मिनट के दो स्लॉट में बांट लो, 20-20 40 मिनट हो गया और 15 मिनट का एक स्लॉट कर लो। ठीक है, तीन बार में आपको ये पूरा कंप्लीट करना है, लेकिन 45 मिनट रीडिंग जरूर करनी है। इसके लिए आपको डेली टाइम टेबल खुद का बनाना पड़ेगा कि क्या क्या हमें सुबह उठ करके पढ़ना है। रीडिंग स्किल खत्म हो जाती है, अब हम आते हैं प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस ग्रामर की कैसे करनी है, ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए हमने बताया प्लिन टू पैरामाउंट बुक। प्लिन टू पैरामाउंट बुक के बाद आपको ग्रामर के लिए, पर्टिकुलर चैप्टर के लिए तरुण ग्रोवर सर की वीडियो फिर देखनी है। उन्होंने काफी क्वेश्चंस कराए हैं, उनकी वीडियो कैसे देखनी है। सपोज पहला क्वेश्चन उन्होंने कराया तो डायरेक्ट उनके सोल्यूशन को मत देखो, पहले खुद का दिमाग लगाओ कि इसमें क्या हो सकता है, देन उसके सोल्यूशन को देखो। ठीक है, दूसरी बात, मैंने पिनाकल पब्लिकेशन बुक सोल्यूशन की वीडियो स्टार्ट की है, जिसमें मैं खुद पिनाकल पब्लिकेशन बुक सोल्यूशन की क्लास मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। पिनाकल पब्लिकेशन बुक जो है वो प्रीवियस ईयर की इंग्लिश की बुक होती है। ठीक है, जिसे आप ले लो और वहां से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। इतना कर डालोगे तो आप मिक्स्ड प्रैक्टिस पिनाकल से कर ले जाओगे प्रीवियस ईयर के बुक की, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस प्लिन टू पैरामाउंट से कर ले जाओगे, देन आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है वो टेस्ट बुक से। टेस्ट बुक से परचेज कर लो मॉक और सेक्शनल मॉक टेस्ट, उसमें मॉक टेस्ट का अथाह सागर है वो टेस्ट बुक। टेस्ट बुक से आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। वहां से अगर आप मॉक टेस्ट दे देते हो तो आपकी लगभग सारे सेक्शन धीरे धीरे क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे इंग्लिश का मॉक टेस्ट दे दो, जीएस का मॉक टेस्ट दे दो, रीजनिंग का मॉक टेस्ट दे दो, इस तरह से। अभी मैंने इंग्लिश के लिए बताया, देन मैं अब आता हूँ बुक पे। अगर आपने इतनी चीजें कंप्लीट कर ली हैं तो एक बार बुक्स ले लीजिए, प्रिंट टू पैरामाउंट बुक ग्रामर के लिए, ब्लैक बुक वोकैब्स के लिए, और पिनाकल पब्लिकेशन की बुक प्रीवियस ईयर इंग्लिश के लिए। इतनी ले लो, या आपके पास अगर किरण अवेलेबल है तो किरण से ही पढ़ो। दोनों बुक्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, देन मैं आता हूँ आपकी जीएस कैसे तैयार करें। जीएस के लिए अब इतना टाइम नहीं बचा हुआ है कि आप हर एक सेक्शन को तैयार कर पाओ। ठीक है, अभी आपके पास 4-5 महीने हैं, बट 4-5 महीने में आप पूरा जीएस, पूरी रीजनिंग, पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस, ये पूरे कंप्लीट करना इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टफ है। आप क्या कर सकते हो, ये लूसेंट की बुक ले सकते हो, और लूसेंट की बुक से आपको चैप्टर एक एक पेज, दो दो पेज आप डिसाइड कर लो कि किस तरह से पढ़ना है, देन लूसेंट की बुक से आप पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, लूसेंट की बुक से सपोज कोई टॉपिक पढ़ लिया आपने, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लगाओ। उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए आपको एक बुक लेनी पड़ेगी, वो है किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर की बुक या पिनाकल पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर की जीएस की बुक। ठीक है, ये दोनों मार्केट में अवेलेबल है, मिल जाएंगी, इन दोनों में से कोई एक बुक ले लो।
सपोज आपने कोई भी चैप्टर खत्म किया, मुगल साम्राज्य खत्म किया या दिल्ली दिल्ली सल्तनत खत्म किया, दिल्ली डायनेस्टी खत्म किया, तो अब आपको क्या करना है, उस दिल्ली डायनेस्टी का क्वेश्चन जो है वो उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लगाना है। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो लूसेंट में नहीं दिए गए होंगे बट आपके एग्जाम में पूछे गए होंगे, फिर उसे आपको याद करना है। यानी कि अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन आप लेकर के चलते हो तो आपका जीएस जो है वो तैयार हो जाएगा। देन आते हैं हम स्टैटिक जीके की बात करते हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके का पिछले कुछ सालों से ट्रेंड बहुत अच्छा खासा चल रहा है, यानी कि स्टैटिक जीके से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अब स्टैटिक जीके के लिए आपको क्या करना है, देखो भाई स्टैटिक जीके के लिए आप अभी से परमार एसएससी जीके या क्रेजी जीके ट्री, यहां से आप स्टैटिक जीके का एक कॉपी बना करके नोट्स बना लो। ठीक है, स्टैटिक जीके के कौन कौन से टॉपिक्स हैं उसके लिए हमने ऑलरेडी नोट्स बना आपके लिए वीडियो बना दिया था, उसमें टॉपिक हमने बताया था कि ये टॉपिक स्टैटिक जीके में आते हैं, इनको यूट्यूब पर सर्च करो। या हाँ, एक है परचम क्लासेस जहां पर इंग्लिश मीडियम में सारी इंग्लिश उसमें सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं परचम क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं, वहां से आप सारी चीजें एक नोट्स जरूर बना लो, क्योंकि स्टैटिक जीके का लोग नोट्स नहीं बनाते हैं। प्लस पिनाकल पब्लिकेशन की जो बुक है जीएस की, उसमें सबसे पहले स्टैटिक जीके दिया गया है। स्टैटिक जीके को पहले मत पढ़ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ना, स्टैटिक जीके के डेली 5-5 क्वेश्चन पढ़ना। ये मत सोचना कि पूरा स्टैटिक जीके हमें पिनाकल बुक वाली कंप्लीट करनी है। लोगों ने क्या किया है, अभी हाल ही में हमसे कुछ लोगों ने बात की, उनसे उन्होंने क्या किया, स्टैटिक जीके ही दिया गया है पिनाकल में, वहीं से स्टार्ट कर दिया। अब यार 1000 क्वेश्चन दिए गए हैं, पगला जाओगे, हर कोई पगला जाएगा, मैं भी पढ़ूंगा तो एकदम दिमाग खराब हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी ये सारी चीजें पढ़नी है, प्लस 5-5 क्वेश्चन उसको पढ़ना है या 10-10 क्वेश्चन पढ़ना है। अभी स्टार्टिंग में 5-5 क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। देन मैं आता हूँ रीजनिंग पे, और इतने में आपकी जीएस तैयार हो जाएगी। और करंट अफेयर्स अभी से पढ़ना स्टार्ट करें, करंट अफेयर्स अभी से पढ़ना स्टार्ट करें, और उसके लिए नेक्स्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल उसे फॉलो कर लें। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल है उसे फॉलो कर लें। रीजनिंग कैसे तैयार करने की बात करें, तो रीजनिंग के लिए तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जिसके लिए आपके पास यूट्यूब पर पीयूष सर की कैरियर विल क्लास जो है वो अवेलेबल है, कैरियर विल वाले पीयूष सर की क्लास यूट्यूब पर आप डालिएगा, उनकी वीडियोज आ जाएंगी, उसे देख करके आपको नोट्स बना लेना है। सॉरी, अगर उनकी वीडियो नहीं पसंद आ रही आपको तो सौरभ सर अड्डा 24/7 पर, उन्होंने भी अच्छा खासा पढ़ाया है, या कई ऐसे यूट्यूब पर टीचर्स हैं जिन्होंने अच्छा पढ़ाया है, जिन्होंने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है, उनकी उनके वीडियोज को आप देखो और एक शॉर्ट नोट्स बना लो। इसका पूरा डिटेल नोट्स नहीं बनाना है, एक शॉर्ट नोट्स बना लो, अगर आपको लगे कि कोई अच्छी ट्रिक बताई जा रही है तो उसे नोट कर लो। ठीक है, देन आपको प्रैक्टिस करनी है, हर चैप्टर के 100-100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करो, प्रत्येक चैप्टर के 100-100 क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। इतनी चीज अगर कंप्लीट हो जाती है आपकी तो 100 क्वेश्चन ईच चैप्टर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दोगे जब, तो एक टाइम आएगा जब सारे चैप्टर 100-100 हो जाएंगे। देन दोबारा रिवाइज जब करना है तो जो 101 से लेकर के 200 है वो स्टार्ट करो, फिर तिवारा जब करो तो फिर 201 से लेकर के इतना करो। ठीक है, तो आप ऐसा देखोगे कि आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। होता क्या है कि अगर किसी चैप्टर में 200-300 क्वेश्चन दिए गए हैं, सपोज कोडिंग डिकोडिंग आपने लगाया, और उसके 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने में आपको काफी दिन लग जाएगा। अगर आप 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो एक मोटा मोटा आइडिया लगेगा और आपके अंदर संतुष्टि भी होगी कि हाँ हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, थोड़ा बहुत हमें आने लगा है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ बिगनर्स की बात कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत हमें आने लगा है। देन दूसरे चैप्टर पर जब धीरे धीरे एक ओवरव्यू आपको पूरे चैप्टर का मिल जाएगा, फिर लगाना स्टार्ट करोगे तो बहुत तेजी से आप लगा पाओगे। ठीक है, मॉक टेस्ट कैसे दें, देखो अब मैं बात करता हूँ मॉक टेस्ट की, और अब मैं बात करता हूँ उनके लिए जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया। देखो भाई, जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट है वो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करें, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करें, जिन लोगों का मॉक टेस्ट कंप्लीट हो, वो सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कंप्लीट हो गया है, मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, एसएससी स्टेनो वाले ध्यान दें, एसएससी स्टेनो की जितने लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता भी रहा हूँ। आपको क्या करना है कि सीजीएल का 25 क्वेश्चन होता है, 25 क्वेश्चन इंग्लिश का आता है, 25 जीएस का, 25 रीजनिंग का, 25 मैथ का प्री में। ठीक है, आप सीजीएल के प्री के क्वेश्चन की सीरीज ढेर सारी होगी, टेस्ट सीरीज, डेली 2 टेस्ट लगाओ, मैथ को छोड़ दो बाकी लगाओ, डेली 2 टेस्ट लगाओ और उसका एनालिसिस करो। एनालिसिस करोगे तो आप पाओगे कि हमारा क्लोज टेस्ट गड़बड़ हो रहा है, तो उसके लिए रीडिंग करो, 10-15 दिन 20 दिन 25 दिन लगेगा, तो शुरुआत होगा इम्प्रूव होने की, शुरुआत होगी। ठीक है, रीजनिंग में कोई चैप्टर गलत हो रहा है तो उस चैप्टर की कम से कम 20-30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, 2-3 दिन तक 20-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाओ, और डेली सीजीएल के आप मॉक टेस्ट, 2 मॉक टेस्ट डेली आप दो मॉक टेस्ट आपको सीजीएल के डेली देने हैं। ठीक है, और उसका एनालिसिस करना है। जब ये 2 मॉक टेस्ट देते देते 10 दिन हो जाए तब आप स्टेनो का मॉक टेस्ट दो। ठीक, सीजीएल में बहुत ढेर सारे सेट हुए हैं, वो सारे लगाओगे कम पड़ जाएगा आपको, ऐसा नहीं कि टेस्ट सीरीज खत्म हो जाएगी। सीजीएल लगाओ, फिर सीपीओ लगाओ, फिर एमटीएस लगाओ, फिर सीएचएसएल लगाओ, सिस्टम पर बैठ करके आपको लगाना है डेली 2 मॉक टेस्ट, मोबाइल से अवॉइड करना, बट हाँ कुछ लोगों के पास ऐसे रिसोर्सेज की कमी होगी कि यहाँ सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो आप मोबाइल से कर सकते हो।
10 दिन में इस तरह से मॉक टेस्ट दो। शॉर्ट हैंड अगर आपने तैयार करना नहीं शुरू किया है तो तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी 100 वर्ड पर मिनट या 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड होगी और वो शॉर्ट हैंड छोड़ दिए होंगे। आपसे विनम्र निवेदन है कि शॉर्ट हैंड की क्लास ज्वाइन कर लीजिए और डेली 1 ही घंटा शॉर्ट हैंड की क्लास जाइए। बट शॉर्ट हैंड की क्लास जाना मत बोलना मेरे भाई, वरना जब एक बार एग्जाम निकल जाएगा, प्री निकल जाएगा और तब आप जाओगे शॉर्ट हैंड लेने के लिए, तो आज से ज्यादा चीजें भूल चुके होंगे और उसे रिकवर करने में ही इतना टाइम चला जाएगा कि आपको एग्जाम टाइम में जब आपको मैटर बोला जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। आपसे यही रिक्वेस्ट है, आपसे यही आपकी आपको यही सलाह है दे रहा हूं मैं कि आपको क्या करना है, डेली शॉर्ट हैंड देना है, डेली शॉर्ट हैंड लिखना है और वो भी कोचिंग क्लास में जाके लिखना है। घर पे लिखने वाला झंझट छोड़ देना, घर पे नहीं हो पाता है, 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 1 हफ्ते होगा, 10 दिन कर लोगे, उससे ज्यादा नहीं हो पाता है। आप कोचिंग क्लास में जाओगे, आप सपोज आपने शॉर्ट हैंड लिखा, उसमें गलतियां काउंट की, बगल वाला भी गलतियां काउंट कर रहा है, उसकी गलतियां आपसे कम हो रही है आपके बगल वाले से, तो आपके अंदर एक कंपटीशन की भावना जागृत होगी कि हाँ बगल वाले का आज 0 गलती हुई थी, कल मुझे भी 0 गलती करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखो और जिस तरह से हमने बताया है इस तरह से पढ़ोगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड चीजें मैं बता रहा हूँ। और अगर आपको पिनाकल बुक सॉल्यूशन की वीडियो चाहिए तो चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है पिनाकल पब्लिकेशन बुक सॉल्यूशन की, वहां पर जा करके उस वीडियो को आप डेली देख सकते हो। डेली वीडियो 9:30 बजे अपलोड होती है, उसे आप देखो, उसका नोट्स बनाओ। और हमारे MB पब्लिकेशन की बुक सॉल्यूशन की वीडियो पड़ी होगी, 2017, 2018, 2019 और 2020 इन 4 साल के वीडियो क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कराया है, वहां से आप उसे भी देखो, उसे भी सॉल्व करो। इतनी चीज अगर आप कर लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये तो बात पक्की है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।